मेरा नाम है स्पर्श महाजन। मैंने फेविकॉल बनाई, फेविस्टिक बनाई, एक्रिलिक कलर्स बनाए। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक यहाँ कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब मुझे रिक्वेस्ट मिल रही थी कि पेंट ब्रश घर पे बनाओ, तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये पेंट ब्रश। और आप इन्हें किसी भी साइज में बना सकते हो, जैसे मैंने ये 2 बनाए हैं। और इन पेंट ब्रश को यूज़ करके मैंने इस फोटो को कलर किया। कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आओ देखते हैं पेंट ब्रश को कैसे बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। हमने एक झाड़ू लिया है और इसमें से हम एक स्टिक निकाल लेंगे। इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे और हम फिर से यहाँ से भी कट कर लेंगे। अब हम इन्हें फिर से कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमने एक फ्लेक्सिबल वायर ली है, इसे हम इसके ऊपर रैप करके इसको टाई कर देंगे। तो हमारा ये रेडी हो गया है। ये तो बिल्कुल छोटी झाड़ू जैसी लग रही है। अब हम यहाँ पे फेविकॉल अप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसे ड्राई होने के लिए रहने देंगे। जब ये फेविकॉल ड्राई हो जाएगी तो ये सारे एक दूसरे से चिपक जाएंगे। फेविकॉल ड्राई हो गई है। अब हमने एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस लिया है, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और हमने एक वुडन स्टिक ली है, इसे हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। ये कुछ ऐसा दिख रहा है और हमने एल्युमिनियम फॉइल को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो हमारा ब्रश रेडी हो गया है। ऐसे ही मैंने एक और ब्रश बनाया है सेम टेक्निक को यूज करके। बस इसे मैंने एल्युमिनियम फॉइल से पूरा कवर कर लिया है। तो हमने ये 2 ब्रश रेडी कर लिए हैं। नाउ इट्स पेंटिंग टाइम। तो मैंने एक कार का प्रिंट आउट लिया है, इसे मैं पेंट कर लूंगा। आप भी इन पेंट ब्रश को जल्दी से बनाओ और फोटोज हमारे साथ फेसबुक पे शेयर करो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।